आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर देश के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इतिहास का नया सबक सिखाया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तिरंगा यात्रा के लिए पहुंचे जावड़ेकर ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को शहीद बताया और कहा कि वो आजादी के लिए फांसी पर झूले थे। हालांकि जावड़ेकर जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कुछ ऐसे शहीदों के भी नाम लिए जिन्हें आजादी की लड़ाई में फांसी हुई थी। इसी भाषण में जावड़ेकर ने सुभाष चंद्र बोस को भी शहीदों में शामिल कर दिया। हालांकि सरकार अभी तक नेताजी की मौत पर खामोश है। सरकार पुष्टि नहीं करती कि नेताजी जीवित है या नहीं। पाकिस्तानियों पर बयान देना अभिनेत्री से नेता बनी रम्या को भारी पड़ गया है। कर्नाटक के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की गई है। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री और कांग्रेस की नेता रम्या ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के पाकिस्तान जाना नर्क जाने जैसा अनुभव रहा वाले बयान पर कहा था कि पाकिस्तान नर्क नहीं है, वहाँ के लोग बिल्कुल हमारे जैसे हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के इस 33 वर्षीय नेता रम्या की सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी बयान देने को लेकर खूब वजीहत हुई है। देश की एविएशन कंपनियों ने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि उन्हें खाड़ी देशों के लिए उड़ान रूट में बदलाव की अनुमति दी जाए। कंपनियों का कहना है कि वह पाकिस्तान के आसमान का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। कंपनियों ने मांग की है कि उन्हें खाड़ी देशों के लिए पश्चिमी भारत, खासतौर पर अहमदाबाद से उड़ान भरने और अरब सागर से ऊपर रूट बनाने दिया जाए। विमानन कंपनियों का कहना है कि पाकिस्तान के रास्ते से जाना घुमावदार है। इसके अलावा भारत पाक संबंधों के बिगड़ने की वजह से कंपनियों को सुरक्षा की भी चिंता है। एयर इंडिया, जेट एयरवेज, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां पाकिस्तान के रूट से खाड़ी देशों के लिए उड़ानों का संचालन करती है। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली धाविका ओपी जेशा ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने और उनके कोच ने मैराथन के दौरान एनर्जी ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया था। जेशा ने कहा, मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी जब मैंने अपने स्पोर्ट्स करियर में आज तक कभी कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। मैं सरकार और महासंघ के खिलाफ लड़ भी सकती हूँ और शायद जीत भी जाऊँ। मैं और मेरा भगवान जानते हैं कि सच क्या है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। जेशा ने आगे कहा कि जब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं थे तो उन्हें सच्चाई कैसे पता है। मैं दर्द से गुजरी हूं। अगर मेरे पास पानी होता तो कई दिक्कत नहीं होती। कश्मीर में चल रही हिंसा को शांत करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अब पर्दे के पीछे बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है। राजनाथ सिंह ने प्रमुख लोगों से दो राउंड की बातचीत की है। ये लोग गैर कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से बातें हैं और इस दौरान कश्मीरियों के साथ बातचीत शुरू करने पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि पहली मुलाकात 18 अगस्त को 10 लोगों के साथ राजनाथ सिंह के दफ्तर में हुई। इसके बाद दूसरी रविवार को 14 लोगों के साथ हुई। इसमें गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पहली मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर पर काम कर रहे अलग अलग ग्रुप्स की रिपोर्ट पर नए सिरे से विचार शुरू किया गया। इन रिपोर्ट्स पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। घाटी में हालात सुधरने के बाद इन रिपोर्ट्स की प्रमुख सिफारिशों को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कश्मीर मुद्दा सुलझने की कगार पर था, लेकिन बाद की सरकारों ने वाजपेयी के प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया। भागवत का ये बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिक हल ही संभव है। भागवत ने कहा, कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। हमें कश्मीर के लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना विकसित करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने वाजपेयी के प्रयासों को याद करते हुए कहा, वाजपेयी कश्मीर मुद्दे का समाधान करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन बाद की सरकारों ने उनके प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गोरक्षा का काम कानूनी दायरे में होने चाहिए। भारत और अमेरिका ने आतंकवादी खतरे को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। दोनों ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर के एग्रीमेंट पर साइन किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत अमेरिका के साथ बातचीत करेगा जिससे भारत को आतंकियों की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। गृह सचिव राजीव महर्षि और अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा के बीच इस एग्रीमेंट पर साइन पहले ही हो चुके हैं। इसके अलावा सितंबर के अंतिम सप्ताह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिका में जाएंगे।
जहां पर रियल टाइम टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर के बारे में विस्तृत बातचीत होगी। इसके साथ ही आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट का भी आदान प्रदान किया जाएगा और भारत में जो आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट है उनसे जुड़े हुए डोजियर को भी मल्टी एजेंसी स्क्रीनिंग सेंटर के पास दिया जाएगा। भारत की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मास के अरुणाचल प्रदेश में तैनाती पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली के मुताबिक चीन से लगी सीमा पर इसकी तैनाती से इलाके में स्थायित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चीन का ये भी मानना है कि भारत के इस कदम के पीछे टकराव का नजरिया है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि चीन के ऐतराज के बावजूद ब्रह्मोस की तैनाती चीन से लगी सीमा पर की जाएगी क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ऐसे हथियार तैनात कर रहा है। वैसे अभी अरुणाचल में ब्रह्मोस की तैनाती हुई भी नहीं है लेकिन चीन का रुख सामने आ गया है। फिलहाल सरकार ने बस इस बात की मंजूरी दी है कि अरुणाचल में ब्रह्मोस की 4वीं रेजिमेंट की तैनाती की जाएगी। इसमें करीब साल भर लग जाएगा। उपराज्यपाल नजीब जंग ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पूर्व SOD नवलेंदु कुमार और एक अन्य अधिकारी को DUSIB के लिए नियत भूमि को कथित तौर पर निजी पक्ष को सौंपने को लेकर निलंबित कर दिया है। फिलहाल ADM के तौर पर तैनात सिंह और SDM अमित कुमार पमासी को निलंबित किया गया है। ADM के सी सुरेंद्र को भी गृह मंत्रालय द्वारा निलंबित रखने की सिफारिश की गई है। एक सूत्र ने बताया कि NK सिंह ने भलसवा में प्रमुख भूमि को निजी व्यक्तियों को सौंपने का एक अवैध आदेश पारित किया था जिसका अधिग्रहण दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड के लिए किया गया था। मामले को आगे की जांच के लिए तुरंत CBI के हवाले किया जा रहा है। NCP प्रमुख शरद पवार ने BJP शासित राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गाय को माँ नहीं कहेंगे उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। पवार ने कहा कि गाय का सभी आदर करते हैं लेकिन ऐसा कहने का अधिकार CM को किसने दिया? क्या ये देश उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? शरद पवार ने कहा कि ऐसा कहना मजाक करने जैसा है क्योंकि हम गाय का सम्मान करते हैं लेकिन हमारी जन्म देने वाली माँ हमारी माँ है तो हम पहले हमारी माँ का आदर करेंगे। गाय का आदर करने की भूमिका हमें मंजूर है लेकिन गाय को माँ नहीं कहेंगे, उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं, ये बोलने का अधिकार इन्हें किसने दिया? ये देश क्या इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? समाजवादी पार्टी में एक तरफ जब चाचा भतीजे के बीच रिश्तों को लेकर घमासान मचा है तो वहीं दूसरी तरफ सांसद अमर सिंह ने कहा है कि बलराम यादव, शिवपाल यादव और खुद उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उनको लगता है कि राज्यसभा सीट के बदले उन्हें अपमान मिला। मुलायम सिंह से बात करने के बाद वे तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अमर सिंह ने कहा कि वे अपना इस्तीफा पार्टी के नेता को नहीं बल्कि हामिद अंसारी को देंगे। इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू उनके आदर्श हैं। अमर सिंह आगे कहते हैं कि अखिलेश यादव फोन पर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हमको मुख बधिर बना दिया गया है। मुलायम सिंह नेता है या नहीं ये तय करना होगा लेकिन मैं मुलायमवादी हूँ, मुलायम सिंह की वजह से आया था, मुलायम सिंह की इज्जत करता हूँ। सब चीजें मुलायम सिंह से बात करने के बाद ही तय की जाएगी। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV से। नमस्कार। We'll be right back.